हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ हरियाणा के बांस गांव में, जहाँ पे एक नई अभी ट्रेनिंग एकेडमी स्टार्ट हुई है। बट एकेडमी अभी स्टार्ट हुई है, ट्रेनर पुराने हैं, जो हैं शंकर भैया, जो कि डॉग ट्रेनिंग में काफ़ी टाइम से डॉग ट्रेनिंग करते थे, जिनके जो और वाइडन करके दो डॉग हैं, हमने इसका पहले भी वीडियो बनाया है, डच शेफर्ड। तो आज उनका जो फैसिलिटी थी, काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे उनकी जो फैसिलिटी है और एक फैसिलिटी किस तरह की होनी चाहिए। आपने ट्रेनिंग के बहुत सारे कैनल देखे हैं, बट एक कैनल जो आइडियल कैनल होता है ट्रेनिंग के से रिलेटेड, वो कैसा होता है, आइए देखते हैं हम। तो यहाँ से एंट्री होती है भैया की, जो कैनल भैया ने बनाया हुआ है, ट्रेनिंग एकेडमी बनाई हुई है। तो सबसे पहले भैया ये बताएं, आप ये कितने एरिया में है? ये करीब करीब आधा एकड़ में है अभी, और हमारे पास स्पेस की कोई कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ मेरी 30 एकड़ के आसपास ज़मीन है। तो हम इसको जैसे जैसे ज़रूरत महसूस होगी उस हिसाब से एक्सटेंड करते भी रहेंगे जी। और आपने ये एक छोटा ग्राउंड बनाया हुआ है यहाँ पे, तो ये जो इक्विपमेंट रखे हुए हैं, सबसे पहले तो आप इन इक्विपमेंट के बारे में एक एक करके एक्सप्लेन करें भैया। जैसे कि हम वर्किंग डॉग की बात कर रहे होते हैं, तो वर्किंग डॉग का मतलब होता है कि वो काम करे। काम कैसे करे? वो निठल्ला नहीं बैठ सकता, उसको कुछ ना कुछ नया टास्क हर रोज़ के लिए चाहिए। तो उसके लिए हमने एक एजिलिटी ये ग्राउंड हमने बनाया है। नहीं, ये जो सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये क्या ट्रेनिंग एकेडमी सिर्फ वर्किंग डॉग के लिए है या कोई किसी भी तरह की ट्रेनिंग के लिए है? देखिए, वैसे तो वर्किंग डॉग हमारे लिए प्रेफरेंस हम वर्किंग डॉग को देते हैं, लेकिन कोई भी डॉग हो, ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग है जी। बताएं एक एक इक्विपमेंट के बारे में, सबसे पहले एक्सप्लेन करें आप। ये व्यू पोल है, इसमें कुत्ता इस साइड से, ताकि उस मस्कुलर बना रहे और उसको इधर से इधर निकलता है। तो ये मतलब एजिलिटी के लिए ये इक्विपमेंट है जी। ये व्यू पोल जी, और ये डॉग वॉक, डॉग वॉक इस साइड से ऊपर चढ़ेगा, उस साइड से ऊपर उतर जाएगा। अच्छा, आपको दिखाएंगे। अच्छा, नहीं, आप किसी डॉग से ज़रूर अपने जो आपका डॉग है उससे ये चीज़ थोड़ा करा के भी एक बार दिखाएं वीडियो में। ये ग्राउंड कितने है, कितना एरिया है इस ग्राउंड का? अभी जो करीब करीब 1500 गज में है ग्राउंड। 1500 गज में है। और ये क्या है, ये वाला इक्विपमेंट? इसमें हम कुत्ता जंप करें, इसमें से कुत्ता जंप करे, इसमें हम आग भी लगा के, ताकि कुत्ते की हेजिटेशन हर चीज़ से निकले। इसके चारों तरफ कपड़ा बांध के आग लगा के और उसमें से निकालना, और ये सारी। अच्छा, फायर के लिए, जिससे कभी ऐसी कंडीशन पे वो डरे ना। हाँ, डरे ना। अच्छा, यही रहता है कि हर कंडीशन में कुत्ता इधर उधर से कर सके। मेरी एक और क्यूरियोसिटी है, ये बोर्ड है आपका भैया ऊपर, तो ये है नैनो केनाइन फैमिली करके, ये नैनो के क्या है? ये नैनो केनाइन, ये नाम आपने क्यों रखा, क्या है ये? एक्चुअल में नैनो एक मेरी इंडी बिच है, छोटी सी, इसलिए उसका नाम नैनो है। और वो हमने 3-4 दिन की कहीं सड़क पे मिली थी, तो हम उसको उठा लाए, और वहीं से हमारी यात्रा, जो डॉग से रिलेटेड यात्रा है, वहाँ से शुरू हुई। अच्छा, तो उस नैनो पे करके है। अच्छा, नैनो पे करके है। ये क्या इक्विपमेंट है? ये हाई जंप के लिए। हाई जंप के लिए जी। तो ये तीनों एक जैसे क्यों है? ये तीनों एक, यहाँ से कुत्ता यहाँ रुका जी, फिर जंप किया लगातार, वो उसने एक मतलब रुकया भी है, जंप भी किया, फिर रुकया है, फिर जंप किया है, यानी कि उसको तुरंत ये करना है कि यह रुकना भी है और फिर जंप करना है, आगे वाले जंप के लिए प्रिपेयर रहना है। रहना है हाँ। अच्छा, तो और ये जो इक्विपमेंट है, ये किस तरह का है, ये क्या है? इसमें कुत्ता इधर से चढ़ेगा, और जैसे ही यहाँ पहुँचेगा तो ये अपने आप नीचे जाएगा। ये होता किस लिए, क्या ज़रूरत है इसकी? इस तरह का तो एक इक्विपमेंट वहाँ पे भी है। नहीं, इसकी इसकी अपने आप में जब ये ऐसे होगा तो कुत्ते में ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हैं। जैसे इधर आएगा तो ये हिला है, तो कुत्ता उस स्थिति में भी कीचड़ में है या जैसे भी है, भाई कोई चीज़ हिल डुल रही है, उस पर भी वो आराम से चले, झटका भी लगेगा इसमें जैसे यहाँ जाएगा जी। तो सारी चीज़ें कॉन्फिडेंस भी बढ़ाती हैं और उसको मस्कुलर बनाती हैं, उसकी हर रीढ़ की हड्डी के लिए ये बेस्ट है। अच्छा हाँ, तो वो सारी चीज़ें। और ये एक इक्विपमेंट और है लॉन्ग हाई जंप के लिए, यहाँ हम इस पे गेंद बांध देंगे तो उसको टारगेट दिया जाएगा कि आपने वो अचीव करना है। अच्छा, तो वो तो इसकी तो इसकी हाइट कितनी है? इसकी तो हाइट भी करीब करीब 9 फीट है। 9 फीट हाइट है। फिर आगे एक और ये इक्विपमेंट हो गया आपका, जो ये सारे हो गए, ये लास्ट एक इक्विपमेंट है, इसको ए फ्रेम बोलते हैं, इसको ए फ्रेम। हाँ हाँ, ये किस लिए होता है? ये इसमें भी पहाड़ नुमा है, ये तो हाई उसमें चढ़ना कुत्ते को और फिर उतरना। यहाँ जब कुत्ता चढ़ रहा होता है तो उसको अलग टाइप की एक प्रैक्टिस हो रही होती है, और जब नीचे उतर रहा होता है तो उसको अपने आप में उतरने में कंट्रोल करना है।
अच्छा, यहाँ चढ़ने में अपनी पूरी एनर्जी लगानी है, तो यही जैसे उतर रहा है तो उसको कंट्रोल करना। जितना मैं समझ पा रहा हूँ तो ये इसलिए है कि किसी भी तरह की जरूरत हो, नीड हो डॉग्स को, या किसी भी तरह की सिचुएशन हो, अगर आप डॉग ट्रेंड कर रहे हैं तो वो हर तरह की सिचुएशन में आराम से काम कर सके। अच्छा, तो ये आपका ट्रेनिंग वाला एरिया हो गया। अब आप ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, ये आपने इधर आपने बताया था जैसे फैमिली वालों का अगर कोई आना चाहता है ट्रेनिंग के लिए तो वो उधर आके रह भी सकता है, उसके लिए भी आपने रूम्स वगैरह बनाए हैं। ये अभी काम चल रहा है, थोड़ा सा टाइम और लगेगा इसका विधिवत। हाँ, लगभग दो महीने के बाद आपकी महीने का हमने टारगेट लेके चले हैं जी। हो सकता है थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगे या हो सकता है उससे पहले, लेकिन दो महीने का टारगेट लेके हम। ये टीन शेड ये किस लिए आपने यहाँ पे रखा है? ये वैसे ही बैठने के लिए, बाहर की व्यवस्था के लिए ही है, इसका कोई विशेष वो नहीं है कि भाई। ये मैं बता देता हूँ, विलेज एंड तहसील बांस है ये, डिस्ट्रिक्ट हिसार में आपका ये। जी जी। अच्छा ठीक है, और ये फ़ोन नंबर वगैरह आपका हो गया सारा, तो ये बहुत ही अच्छा आपने किया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हरियाणा में और इधर हमारा अगर हम देखते हैं तो किसी तरह की आसपास के एरिया में कोई इतनी अच्छी एकेडमी कोई ट्रेनिंग की थी नहीं अभी तक। अगर किसी को जाना है तो किसको दिल्ली डॉग ट्रेनिंग के लिए जाना है तो काफ़ी लोग परेशान होते थे कि उनको कोई ऐसी इस तरह की फैसिलिटी मिल जाए जहाँ पे डॉग ट्रेंड आराम से उनके नज़दीक ट्रेंड हो सके। ये यहाँ दो BHK कह सकते हैं आप, हमने दो BHK का यहाँ, कोई भी अगर कोई सीखना चाहता है कि कोई बच्चा लेने के लिए आ रहा है या जैसे भी किसी का मन वैसे भी देखने के लिए है वहाँ। आप डच शेफर्ड की ब्रीडिंग भी करते हैं? हाँ, आगे फ्यूचर में हमारा है ये सोच कि हम डच शेफर्ड को प्रमोट करें जी इंडिया में, तो ये करके है। तो एक रूम, ये किचन हो गया, सारी चीजें हैं, तो ये एक रूम इधर हो गया अपना, एक रूम ये बनाया हुआ है भैया ने। ये कवर्ड वगैरह रखी हुई है आपने अगर कोई सामान जी जी, तो ये एक हो गया। ये स्टाफ एंड को अगर कोई बाहर से ट्रेनिंग के लिए आता है, अगर किसी को ट्रेनिंग भी सीखनी है तो उसकी फैसिलिटी भी भैया प्रोवाइड कराते हैं यहाँ ट्रेनिंग सीखने के लिए भी। डॉग्स एंड हैंडलर दोनों की ट्रेनिंग यहाँ पे होती है। ये आपने केज भी कुछ बनाए हुए हैं, ये कितने बाई कितने के केज बनाए हैं? 4x4 के हैं। आपने साइज छोटा रखा है या कुछ प्लानिंग थी इसके लिए भी आपकी कि इतना ही साइज रखा जाए? नहीं, ये आउटडोर के लिए, इनमें परमानेंट तो नहीं रहने हैं। अच्छा। ये आउटडोर के लिए, मान लीजिए कुत्ता कोई काम कर रहा है या हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो दूसरे कुत्ते को यहाँ तब तक रख लिया गया इस टाइप से, या इनको अलग अलग जगह पे शिफ्ट करना है, जैसे वहाँ उधर हमने कुत्तों के लिए डिग्गी बना रखी है पानी की, तो एक वहाँ रखना है कि कुत्ता नहा रहा है दूसरा कुत्ते को उसमें। अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये पोर्टेबल है तो जहां कहीं भी इनको मूव कर सकते हैं। अब हम इधर आ जाते हैं कैनल में, तो मैं ये कैनल अभी आपको दिखा दूंगा, उधर जो दूसरा कैनल है। तो शंकर भैया, ये जो हमारा फर्स्ट कैनल है इसमें कैनल कितने केज हैं और किस तरह से आपने इसको डिजाइन किया है? इसमें 11 केज हैं और इनका मेन पर्पज है ये रेस्ट एरिया है एक तरह जी। यहाँ डॉग आने के बाद में डॉग को कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए और सिर्फ रेस्ट करेगा। हाँ, केवल रेस्ट करेगा, इसलिए इनका साइज भी हमने कम ही रखा है, करीब करीब 5x3 का इनका साइज है, ताकि कम एरिया में वो ठीक से रेस्ट कर लेगा, इनके लिए सफिशेंट है जी। उसके बाद में बाहर का जो है कैनल, वो एक तरह से आप उसको रन एरिया या आउटडोर एरिया बोल सकते हैं, वहाँ खुले हैं, उनका साइज 12x6 का है, तो एक डॉग के लिए एक ठीक है, और वो पूरे दिन या जैसा भी मौसम के अनुसार उसमें रहते हैं, और वो अपना घूमना फिरना है ऐसा नहीं है, वो अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर भी लेते हैं, और फिर हम उनको 3 टाइम खोलते भी हैं ये पूरे इसमें खेत में। हाँ, यहाँ पे तो काफ़ी स्पेस है, तो रेस्ट के लिए डॉग अंदर जाएगा और इतना एरिया सफिशेंट होता है इनके लिए। तो ये जो इक्विपमेंट और ये सारी चीज़ें आपने देखी, और हमारे जो भैया का डॉग है वो भैया ने दिखाया भी कि किस तरह से ये इक्विपमेंट पे काम करते हैं, तो भैया ये कब से आप स्टार्ट कर रहे हो फैसिलिटी को, ये बताएं आप। देखो, उम्मीद तो ये है अमित भाई कि मैं भी जल्दी चाहता हूँ कि 2 महीने में हो जाए, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि बहुत सारी बातें अपने हाथ में नहीं होती, और ये हमारे हरियाणा और हरियाणा के आसपास के जो लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, और एक बार विजिट ज़रूर करें। और कैनल का नाम है नैनो K9, और ये डॉग ट्रेनिंग एंड ये वर्किंग डॉग्स में जैसे डच शेफर्ड वगैरह ब्रीड को अभी ब्रीडिंग करने का भी इनका प्लान है, तो जो प्लान है ब्रीडिंग का भी क्या कॉम्बिनेशन होगा उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में हम प्लान करेंगे। और एक सबसे लास्ट में जो रह जाती है चीज़, और जिसको मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, भैया ने भी गाय रखी हुई है जो बहुत ज़रूरी है, और गाय रखने का पर्पज और आप अपना बता दें। नहीं देखो, गाय का मेन पर्पज तो यही होता है कि भाई सेवा का भी भाव होता है, दूसरी बात यह है कि वो सेवा के साथ साथ वो भी हमारी सेवा करती है, वे दूध देती है, दूध से हमारा भी काम चलता है। डॉग्स को क्या फायदा है इनसे?
डॉग्स को एक तो देखो, मैं हमेशा आप कहेंगे कि सोशलाइज पे आप पूरा ध्यान देते हैं, तो पशु के साथ रहता है तो पशु के प्रति भी वो सोशलाइज होता है, एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि उनको दूध मिलता है, दूध दही छाछ वगैरह मिलता है डॉग्स को, इन्हीं से मिलती है। और जो लोग यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आते हैं, डॉग ट्रेनिंग सीखने आते हैं या अपने डॉग्स के साथ आते हैं उसको ट्रेनिंग कराने के लिए, तो उनके लिए भी जो यहाँ पे जो चीजें हैं उनका पूरा ध्यान रखा गया है। और आने वाले टाइम में और जो भैया की प्लानिंग है कि आसपास के एरिया में सब्जियां और ये सब कुछ उगा के यहीं पे सारा कुछ जो है तैयार किया जाए, तो आप इस वीडियो में कमेंट्स करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आपका अगर कोई सजेशन होता है तो आप सजेशन जरूर दें कि इसमें और अच्छा क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ चीजें रह रही हैं जो 1 से 2 महीने में कंप्लीट हो जाएंगी, तो अगर आप कमेंट्स करके बताते हैं तो उन चीजों पे भी आपके जो भी कमेंट्स रहेंगे वो बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हैं हमारे लिए, और उन चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। तो और भैया से किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन अगर आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड लेनी है तो भैया का जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से जाके आप भैया से आप कॉल कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।